सो वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 12वीं का जो आपका कल का पेपर है यहाँ पर जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पर इस वीडियो में जो आपका पेपर है, अगर आप इस पेपर को अच्छे तरीके से पूरे पूरे याद कर लेते हैं तो गाइस आपकी वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर जितने भी हम क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो पेपर में देखने को मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। देख लीजिए, ये रहा आपका पेपर सॉल्यूशन सहित बताने वाले इस वीडियो में। जो ये क्वेश्चन है आपको जो है वार्षिक पेपर में भी देखने को मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। तो गाइस अच्छे तरीके से इन्हें कंप्लीट करना। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट है जो पेपर है, यहाँ पर सीरियल नंबर देख लीजिए, ये टोटल क्वेश्चन 23 है। यहाँ पर प्रिंटेड पेज 8 है और टाइम 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स 80 का पूर्णांक है। तो इसी तरह आपको जो है पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर निर्देश वगैरह देख लीजिए, 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 6 से 15 तक दो दो नंबर वाले, और 16 से 19 तक तीन तीन नंबर वाले, और 20 से 23 तक चार चार नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वैसे ये आपके निर्देश देखने को मिलेंगे। इसके बाद 5051 आपका हिंदी सब्जेक्ट का कोड है। अब चलिए प्रश्न देख लेते हैं। तो इस अच्छे से याद जो है देखते चलना है आपको, ताकि आपको इसी वीडियो में सभी क्वेश्चन याद हो जाए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाए वार्षिक परीक्षा की। तो गाइस जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फटाफट आपके क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके सॉल्यूशन भी देख लीजिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है जो कि 6 नंबर की, इसमें देख लीजिए पहला क्या हो जाएगा, हरिवंश राय का जो है हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। तो इलाहाबाद आपको लिख देना। इसके बाद आता है दूसरा, रीतिकालीन कवि है, रीतिकालीन कवि कौन है, भूषण है। सो गाइस इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका तीसरा, जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन कहलाता है, क्या कहलाता है, खंड काव्य कहलाता है। सो गाइस इसमें खंड काव्य राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सीरीज के फूल पाठ के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सो गाइस यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगी सीरीज फूल के, जो सीरीज के फूल हैं इसके पाठ के लेखक। इसके बाद आ जाता है आपका पाँचवा, चट गिरधा का अर्थ, चट गिरधा का अर्थ क्या है, बाह बहादुर। इसके बाद आ जाता है आपका छठवा, आनंद के मराठी अध्यापक का नाम था, इसको क्या इस किया था, इसमें से हो जाएगा नौ संदेलगेकर। तो इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका जो है क्वेश्चन दूसरा में देख लीजिए आपको क्या करना है। क्वेश्चन दूसरा में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि 7 नंबर की। पहला है उल्टा पिरामिड शैली को डॉट डॉट हिस्सों में बांटा गया, कितने, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ 3, 5। सो गाइस इसमें से 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा, मोहनजोदड़ो में लगभग डॉट डॉट कुएं थे, कितने, यहाँ पर 700 कुएं थे। सो गाइस यहाँ पर इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए 7,700, तो गाइस 700 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा, बरसात से नदियों का तीव्र डॉट हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रवाह या प्रभाव। सो गाइस यहाँ पर प्रवाह तीव्र हो जाता है। इसके बाद है आपका चौथा, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का एक डॉट डॉट है, क्या है, मुहावरा या लोकती। सो गाइस इसमें लोकती है। इसके बाद है आपका पांचवा, मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए डॉट डॉट नहीं है, क्या नहीं है, मकान या रुपया। सो गाइस इसमें रुपया राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका छठवां, महाकाव्य में डॉट डॉट सर्ग होती है, कितने सर्ग होते हैं, यहाँ पर 8 सर्ग होते हैं। इसके बाद आपका सातवां, बच्चा डॉट डॉट को पाने की जिद कर रहा है। सो गाइस किसको, चांद को पाने की जिद कर रहा है। तो गाइस इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांद हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है तीसरा, सही जोड़ी बनाइए जो कि 6 नंबर की। पहला है बादल राग, बादल राग का हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद है मधुर गुड़ हो जाएगा श्रृंगार रस। इसके बाद है क्रंदन हो जाएगा बिलाप। इसके बाद है भाव विस्तार हो जाएगा आपका पल्लवन। और पांचवी में यहाँ पर हो जाएगा बैठने लगा। इसके बाद भारत में इंटरनेट 1995 में। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, पहला का आपको यहाँ पर मिला देना डी ऑप्शन से, दूसरा का सी ऑप्शन से मिल जाएगा, तीसरे का ए ऑप्शन से, चौथा का हो जाएगा एफ से, पांचवी का हो जाएगा बी से, यहाँ पर छठवें का हो जाएगा आपका ई ऑप्शन से। तो गाइस आपके जो सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आ जाते हैं आपके एक शब्द बाकी के क्वेश्चन, सातवें में आंसर भी। सो देख लीजिए, एक शब्द वाक्य क्वेश्चन है जो कि 7 नंबर के। पहला है आपका, समाचार लेखन के कितने प्रकार हैं। सो गाइस कितने प्रकार, यहाँ पर 6 प्रकार हैं। तो गाइस कितने की जगह पर आपको 6 लिख देना है। इसके बाद आ जाता है दूसरा, कविता के लिए चित्र भाषा पर किसने जोर दिया। सो गाइस किसने जोर दिया था, सो गाइस किसने की जगह पर आपको राफेल लिख देना है। इसके बाद है तीसरा, सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था। तो गाइस जो अनुपात था वो 4:2:1 था। तो गाइस ये आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन है, छोटे छोटे वाक्यांश कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मुहावरी। इसके बाद है पांचवा, गुड़धानी का क्या अर्थ है, गुड़धानी का जो अर्थ है वो है गुड़ चने से बना लड्डू। इसके बाद है छठवां, रस के अंग हो जाएंगे भाव विभाव अनुभव संचारी भाव। तो इसी रस के अंगों के नाम हो जाएंगे। इसके बाद है सातवां है, कवि ने अपने खेतों में कौन सा बीज बोया है,
कौन सा बीज बोया? विचार का बीज बोया। सो गाइस इसमें राइट आंसर हो जाएगा विचार। तो इसी आपके जो है एक वाक्य कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आता है आपका जो है निम्नलिखित में से सत्य सत्य का चयन करना है। तो इसी यहाँ पर सत्य सत्य का चयन करना है। चलिए पहला है शरद ऋतु पुलों को पार करती हुई आई। सो गाइस बिल्कुल सही है, सत्य हो जाएगा। दूसरा है भयानक रस का रंग काला माना गया है। सो गाइस ये भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा कवित एक वार्णिक छंद है। सो गाइस ये आपका असत्य हो जाएगा। चौथा है जूझ कहानी योगदान उपन्यास का अंश है। तो गाइस ये भी आपका असत्य है। इसके बाद है पाँचवा सिल्वर वेडिंग या उत्सव विवाह के 25वां सोने पर मनाया जाता है। सो गाइस ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आपका छठवां है जो पत्रकारीय लेखन की भाषा सरल होती है। तो इस ये आपका सत्य हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर तीन आपके असत्य, दो असत्य हैं और जो चार दिए हुए हैं वो सत्य हैं। तो वैसे ही आपकी सत्य सत्य कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आ जाती है आपके प्रश्नोत्तर। चलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला छठवां है चिड़ियों के परियों में चंचलता किस कारण आ जाती है, अथवा में दिए हुए थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है। इसके बाद है आपका सातवां उषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है इसका, अथवा है स्वप्नों के संसार से कवि का क्या आशा है। इसके बाद है आपका आठवां स्थाई भाव किसे कहते हैं इसका, अथवा है अथवा क्वेश्चन है करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। इसके बाद नौवां काव्य किसे कहते हैं, अथवा मैं खंड काव्य किसे कहते हैं लिखिए। इसके बाद आपका दसवां भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह अपने नाम इस नाम के को क्यों छुपाती रही इसके, अथवा में लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी। इसके बाद आपका ग्यारहवां लेखक के पड़ोस में रहने वाले भगत जी क्या काम करते हैं, अथवा दिगुआ लोटन का बचपन कैसा था। इसके बाद आपका बारहवां क्वेश्चन किया गया है मुहावरे किसे कहते हैं, देख लीजिए यहाँ पर और आपको लिखना मुहावरे की परिभाषा लिख देना इसके, अथवा में लोकती किसे कहते हैं। तो इस सभी क्वेश्चन को आपके अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। इसके बाद है आपका तेरहवा मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं लिखिए है। इसके बाद आ जाता है आपका जो है इसका अथवा है, देख लीजिए तेरहवा का अथवा जल्दी से यहाँ पर तेरहवा का अथवा है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं लिखिए है। इसके बाद है चौदहवा सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था इसके, अथवा में फ्रिज के संबंध में इसुदर बाबू के क्या विचार हैं। इसके बाद आ जाता है पंद्रहवा लाइफ के बारे में लिखिए, अथवा दी हुआ डेड लाइन किसे कहते हैं। इसके बाद आपका सोलहवा तुलसीदास और रघुवीर सहाय की काव्यगत दो रचनाएं लिखना है और भावपक्ष कला पक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। इसके बाद आता है सप्तमा क्वेश्चन है आपका महादेवी वर्मा अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की दो रचनाएं भावपक्ष सॉरी भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना है। इसके बाद आ जाता है अठारहवा लोकगीति व मुहावरे में अंतर, अथवा दिए हुए राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। इसके बाद उन्नीसवा क्वेश्चन आ जाता है अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को जल्दी से आपको इसको पढ़ लेना है। ये रहे आपके प्रश्न इसका अथवा है, ये रहा इसका अथवा। तो इस नेक्स्ट पेज पर भी है तो ये रहा इसका अथवा। तो गाइस दिल्ली से देख लीजिए, ये रहा इसका अथवा का, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका पद्यांश। इसके बाद आ जाता है बीसवां में निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो इसे इनकी आपको व्याख्या करनी है, संदर्भ भी लिखना है और प्रसंग भी लिखना है। तो गाइस ये जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक। तो इस अथवा में से दोनों में से एक कर देना। इसके बाद आ जाता है इक्कीसवां में आपको गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। इसके बाद देख लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जैसा नेक्स्ट आपका बाईसवां में देख लीजिए आपको क्या करना है, अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखना है। इसके अथवा में नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखना है। इसके बाद आ जाता है तेईसवां निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सागरित अनुच्छेद लिखना है। तो इस इन चारों में से किसी एक पर आपको अनुच्छेद लिखना है। तो इसी आपके पूरे टोटल 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कैसे यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको सभी सब्जेक्ट के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं इसी चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।